वेलकम टू माई चैनल। बहुत ही शर्म की बात है कि मैं एक एक महीने में अपनी शक्ल दिखाती हूँ उस चैनल पे, और प्रोमिसज तो बहुत करती हूँ, कभी प्रोमिसज पूरे नहीं करती। तो इस बार मैंने सोचा है अब से मैं कोई प्रोमिस नहीं करूँगी। आई एम जस्ट गोइंग टू डू माई बेस्ट एंड या ट्राई एंड बी रेगुलर। ओह आई सेड इट, आई शुडंट हैव। एनीवे, सो ये भी मैं अभी आपको वेलकम कर रही हूँ उस चैनल पे। ये मुझे सुबह करना चाहिए था, रात के बज रहे हैं 10, संडे है, और अब हम पीछे जाएंगे और अब आप देखिए कि हमने पूरे दिन में क्या किया। माई कज़न इज़ गेटिंग मैरिड, सो वी ऑल आर बिजी, वी आर हैप्पी। हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं। फॉर दोज ऑफ़ यू हु डोंट नो, हम लद्दाख से शिफ्ट हो गई थी मैं एक महीने पहले, और मैं इधर लखनऊ आ गई हूँ। और बस अब आप देखिए आज हमने पूरे दिन में क्या किया। थोड़ा बहुत शॉपिंग है, थोड़ा एक छोटी सी रेसिपी है, और मेरी मम्मी है बहुत ज़्यादा बातें करते हुए। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉग। ये भी अच्छी लग रही है, ये भी पहन सकते हो आप। हाँ, ये तो है ही पूरा मेहंदी। ये साड़ी चिकन कारी, मेरी शादी की साड़ी, चम 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 चम, शाइनिंग शाइनिंग। तो ये भी चला हुआ था बहुत। ये कौन सा सीक्वेंस? हाँ, सीक्वेंस वो अच्छा लग रहा है ना, और शुभ माना जाता है। शादी का ही है मतलब मेन चीज तो ये। चुनर। ओके, नाउ विद दिस हम निकल पड़े हैं शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर। दिस इज़ द आउटफिट ऑफ द डे, दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। बहुत ठंड तो है नहीं, बट आई डोंट नो, ये इतना शॉल वॉल पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, पर एनीवे थोड़ा सा स्टाइल तो बनता है। आपको पता है 4 साल से मैंने एक भी साड़ी नहीं ली है। हाँ। मतलब कोई शॉपिंग नहीं की, मुझे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट दिलचस्पी ज़्यादा है नहीं मुझे। मतलब मम्मी के साथ मैं आ गई हूँ, अदरवाइज मैंने फिर रिसाइकिल कर लिया होता पुराना वाला। चलो बढ़िया है, आज हाँ। आज थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ले लेते हैं, जरूरी भी है। सो हमने क्या क्या शॉपिंग की है वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, वो आप शादी में ही देखना। बट हाँ, 2-3 चीज़ें ले ली हैं, थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह ले लिए, थोड़े आउटफिट्स ले लिए हैं, और उसके बाद हमने थोड़ा सा, क्योंकि भूख लग गई थी, सुबह ही खाया था, उसके बाद नहीं खाया था। तो यहाँ पर लखनऊ की मेरी फेवरेट स्ट्रीट स्नैक है रोस्टेड स्वीट पोटैटोस, बहुत बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। स्नैक्स खाने के बाद अब हम जा रहे हैं, इफ़ यू रिमेंबर मैंने इंस्टाग्राम पे अपने पेज पे शेयर किया था, देयर इज़ वन बनारसी साड़ी दैट आई एम वेयरिंग, मम्मी की वही 32 ईयर्स ओल्ड साड़ी है। फॉर दैट ऑफ कोर्स आई नीड टू गेट अ ब्लाउज स्टिच्ड। मम्मी का ब्लाउज मुझे नहीं आएगा, और उनका ब्लाउज एक्चुअली खो भी गया, उनको दिख भी नहीं रहा है वो। सो तो कपड़े हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, 2 ब्लाउज पीसेस लिए हुए हैं, सो आई विल टेक इट एंड आई विल गेट इट स्टिच्ड। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा ये वेलवेट वाले, इनके पास बहुत कपड़े आजकल, ये बहुत ट्रेंड में हैं, बहुत इन हैं। मेरा भी बहुत मन था, बट विंटर सीजन अब ऑलमोस्ट चला ही गया है तो नहीं ले रहे। एनीवे, अब यहाँ से हम निकल गए हैं, और अब हम जा रहे हैं अपने भाई के लिए कुछ कुछ सामान पैक करने के लिए, बिकॉज ही इज़ सुपर हंग्री। सो हम मिस्टर ब्राउन आए हुए हैं, मिस्टर ब्राउन अगेन इज़ अ बेकरी हियर इन लखनऊ। यहाँ पर काफ़ी चीज़ सब मिल जाता है, आई मीन बर्गर, पिज्ज़ाज, डिज़र्ट्स, एवरीथिंग। आई डोंट वॉन्ट टू ईट बर्गर्स और पिज्ज़ा, सो मैं सिर्फ एक ये डिज़र्ट खा रही हूँ, एक्लेयर पिस्ताशियो डीलक्स। मम्मी ने छोटा वाला लिया हुआ है, ये मैं पहले भी खा चुकी हूँ, बहुत टेस्टी होता है, अंदर क्रीम फिलिंग होती है, इलायची और पिस्ता का, इलायची का फ्लेवर होता है, एंड ऑफ कोर्स पिस्ताशियो तो उसमें होता ही होता है। लुक एट हाउ मम्मी आज का दिन, थक गए, मज़ा आया, शॉपिंग हो गई, अभी आधी अधूरी हुई और है। अब जाएंगे नेक्स्ट संडे, अगले संडे अब। हाँ, मेरी खूबू, मेरी खूबू, क्या हुआ, क्या हुआ? आजा। देखो कोई घर में मैं ना पानी पूछने वाला ना चाय। चाय बनाऊं? पानी तो पिला दिन था यार, एक गिलास भर भर के, ना मैं तुझे पिलाई ना तू मुझे पिलाई। चाय बनाते हैं, पानी पीते हैं, और डिनर में क्या खाएं? आज संडे है। आज संडे है तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। ठीक लग रहा है। अभी हमारी बन रही है चाय,
और हमने डिसाइड भी नहीं किया कि हमें डिनर में क्या करना है, टाइम क्या हो गया है, इट्स ऑलरेडी 8 o'clock, सो वी आर लेट। वहां से आए देखो हाथ पांव धोए, बंदे में दिया बाती करी थोड़ी देर रील्स भी देखी। हाँ मम्मी ने कुछ देर 20 मिनट हमने रील्स देखी है, फिर हाथ पैर धो के अपना दिया मंदिर में दिया वगैरह जलाया है, उसके बाद अब ये चाय बन रही है, चाय अब पी रहे हम लोग, खाने पी 8 बजे चाय हो रही है। उसके बाद हम फिर सच में वहां से आए, हमने गजब किया, चाय नहीं पी वो बैठ गए। मैं तो दलिया भी डालती हूँ, दलिया डाल दिया हो गया थोड़ी, इतनी चावल, हाँ चावल ज्यादा ही लग रहा है मुझे कि 2 लोगों के लिए तो बनना है बस, वो भी खाएगा थोड़ी, हाँ बस मत करो प्लीज प्लीज बनो प्लीज बेटा प्लीज प्लीज कह रही हूँ, मत तंग करो जानवर को बेचारा, परेशान तंग वो तंग नहीं कर रहा है, आप तो थोड़ा और ज्यादा ड्रामा कर देती हो यार, तुम लेट पे लेट कर रहे हो मम्मी, इसका 10th का एग्जाम है, क्या कर रहा है, चलो खाना ही बना लो, तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। खिचड़ी आपको पता ही होगी कितनी दालों को चावल को मिला के बनाई जाती है, ये खिचड़ी की रेसिपी मेरी है मम्मी ये वाली, अच्छा क्योंकि आप कभी भी दलिया नहीं डालते हो, डाल देती हूँ पर अब तुम्हारी है तो तुम ही ले लो। अच्छा चलो ठीक है, इसमें हमने क्या क्या डाला हुआ है, चावल दलिया और 3-4 तरीके की दालें, हाँ तो मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ, और आई ऑल्सो एड अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, सो मेरी खिचड़ी जब भी बनती है ऐसी बनती है, वेजिटेबल्स दाल दलिया राइस और साथ में मूली पापड़ अचार, मूली पापड़ अचार तो वो तो है ही है। ओके तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं अपनी खिचड़ी। 2 चम्मच घी ले लिया है, उसमें जीरा डाल रहे हैं, उसके बाद जिंजर एंड गार्लिक अच्छे से बारीक कटा हुआ, और थोड़ी सी हरी मिर्ची ये डाल के थोड़ी देर के बाद अब हम डालेंगे इसमें प्याज, ठीक है उसको चला लेंगे अच्छे से, जब सब कुछ थोड़ा पक जाए थोड़ा ब्राउन हो जाए उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, हींग डालने के बाद हल्दी धनिया जो हम बेसिक मसाला डालते हैं, और अपनी सब्जियां, सब्जियां हम चाहे कोई भी डाल सकते हैं, जस्ट मिक्स एवरीथिंग वेल अच्छे से, लेट एवरीथिंग कम टुगेदर एंड इन द एंड आप डालोगे दाल चावल और दलिया का जो मिक्सचर था, सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक डालना ना भूलें, नमक इस टाइम पे डाल लेंगे, ठीक है। अब 2 से 3 मिनट के बाद इसमें हम डालेंगे पानी, तो पानी आपको जो आपका मिक्सचर है उससे डबल क्वांटिटी में डालना होता है, देखो मुझे ऐसी कंसिस्टेंसी पसंद है, सो यू कैन ऐड वाटर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। दही मूली घी अचार खिचड़ी के है 4 यार। ओके गाइस सो आई एम गोइंग टू एंड माय व्लॉग हियर, ठीक है मैं एडिट कर लूँगी, शायद मैं आज डाल दूँ या फिर मैं मंडे को डालूँ, आपको पता चल जाएगा। आई एम गोइंग टू ईट नाउ, हैव अ ग्रेट मंडे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे वार्म, अभी से तो वार्म तो किया है, अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है विंटर एनी वे। ट्राई दिस रेसिपी, यू आर गोइंग टू लव इट, और खिचड़ी बनाना तो सबको आना ही चाहिए समझो लगता है। ओके बाय बाय।